हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे जुरासिक पार्क के जंगलों में आ चुका है सायरन हेड। आप लोग सायरन हेड को तो जानते ही होंगे ना, उसके दो बड़े बड़े मुंह होते हैं और उसने आते ही भाई जुरासिक पार्क के अंदर जो डायनासोर के अंडे थे ना, उनमें से बच्चे होने से पहले ही उनको मार दिया, यानी उनको खा गया भाई। दोस्तों, उसने अंडों को ही नहीं, जुरासिक पार्क में रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर को भी मार दिया है। अभी आप लोग भाई उसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना कि भाई उसने बड़ा डायनासोर ही मार दिया, तो हम लोग तो भाई के सामने क्या ही टिकेंगे भाई। अब तो सायरन हेड जुरासिक पार्क के जंगलों से निकलकर हमारी सिटी में भी आने लग गया है। दोस्तों, जैसे ही रात होती है वो जंगलों से निकलकर हमारे रेलवे स्टेशन तक आ जाता है। अभी उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, उसकी आवाज भी काफी ज्यादा डरावनी होती है। मालिक, क्या सायरन हेड हमें भी मार डालेगा? हाँ, मार तो सकता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे तुम लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुलिस वालों को बुला लेंगे। ये देखो भाई, मेरे डॉगी कितनी गौर करके मेरी बातों को सुन रहे। तो दोस्तों, मैंने पुलिस वालों को तो कॉल मिला लिया है, लेकिन हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। और काम पता है क्या है? हमें जुरासिक पार्क में जाना है और वहां पे भाई जो भी डायनासोर के बच्चे बच गए हैं उन सबको अपने घर पे लाना है, वरना भाई सायरन हेड उन सबको भी मार डालेगा। इसलिए जल्दी से जुरासिक पार्क चलते हैं और वहां पे भाई बचे हुए डायनासोर के बच्चे अपने घर पर लाएंगे, तभी भाई वो सुरक्षित हो सकते हैं। वैसे भाई मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बचा होगा, यहाँ पे तो भाई सभी बड़े डायनासोर मर चुके हैं, लेकिन शायद भाई मेरे को यहाँ पे छोटे डायनासोर के बच्चे नहीं नजर आ रहे। पता नहीं भाई वो सायरन हेड के डर से कहीं छुप गए होंगे। तो दोस्तों, मेरे को जुरासिक पार्क के बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर मिला और उसके कुछ बच्चे। ये लोग भाई अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि वो मर चुकी है। बच्चों, आओ तुम मेरे घर पे चलो भाई, वरना सायरन हेड तुम सबको भी मार डालेगा। वैसे भाई ये बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आओ भाई आओ। अरे भाई हट तो सही मेरे सामने से, ये लोग मेरे को जाने भी नहीं दे रहे। अरे भाई, वो तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो अब नहीं उठेगी। आओ तुम सब मेरे घर पे चलो, आज से मेरा घर तुम सबका घर है और तुम सब लोग मेरे घर पे ही रहने वाले हो। तो चलो फटाफट मेरे पीछे पीछे आ जाओ भाई, मैं यानी रुकूंगा नहीं अब। Three hours later. तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नए घर पे और आज से ये मेरा नया घर इन सभी डायनासोर के बच्चों का भी घर है। वैसे भाइयों, ये काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। अरे तुम इतना ज्यादा मत चिल्लाया करो, ये देखो मेरे डायनासोर के बच्चे तो इतना कभी नहीं चिल्लाते हैं, ये तो चुपचाप एकदम खड़े रहते हैं और मुझे बैठने भी देते हैं। वैसे भाइयों, इतनी दूर से पैदल पैदल चल के आया हूं ना, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया। वैसे मैं बाइक पे भी आ सकता था, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पीछे नहीं आते ना, इसीलिए। वैसे ये लोग आपस में गले भी मिल रहे हैं। चलो भाइयों, अभी तुम्हें अपने नए घर भी दिखा देता हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी से आओ, तुम सब लोग आ जाओ। वैसे मेरे नए डायनासोर के बच्चे हैं ना, ये काफी ज्यादा बोलते हैं। अरे भाई, इतना भी ज्यादा यानी मत चिल्लाओ तुम यार, एकदम चुप रहना सीखो ना। ये तो बस, ओ ये इतने छोटे कैसे हो गए? आओ। वैसे भी भाई ये शायद अभी अभी अंडे में से निकले होंगे, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। चलो अंदर चलो, ये है तुम सबका घर और तुम सब लोग मेरे साथ में रहने वाले हो। अरे मेरे बेड के नीचे नहीं जाना है, ये लोग शायद काफी ज्यादा डर चुके हैं सायरन हेड से। अरे बेड के नीचे थोड़ी सोते हैं कोई, बेड के ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाके सो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ये लोग क्या भाई, मैं खुद भी अब तो जुरासिक पार्क में जाने से डरता हूँ भाई, वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है, आप लोगों को कोई भी नजर नहीं आएगा। वैसे भाइयों, पुलिस अब आ चुकी है, आज रात सायरन हेड का खेल खत्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, पुलिस वालों ने भाई अपना डेरा जमा लिया है, वहां पे ढेर सारी पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और सभी पुलिस वाले अपनी गनों को लेकर एकदम तैनात हो चुके हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि भाई इतने सी पुलिस वाले काफी होंगे और ये लोग तो भाई आसानी से उससे मारे जाएंगे, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। उसको हराने के लिए भाई फौजियों का टैंक चाहिए। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है इसे? चलो भाई, अभी देखते हैं कि आज रात क्या होने वाला है। वैसे भाई यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी ज्यादा है और मेरे डायनासोर के बच्चे हैं ना, वो भी भाई इनकी फाइट देखने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं, ये है इन सबका लीडर भाई, लीडर बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है ना, इन सबको लीड करने वाला है। पुलिस वालों, फ्रैंकलिन भैया तुम्हारे पैरों में गिरता है, तुम लोग कैसे भी करके उस सायरन हेड को मार डालो। फ्रैंकलिन, तू तो बहुत डरपोक निकला भाई, तूने तो मेरे पैर ही पकड़ लिए। ओ डरपोक, वो भी फ्रैंकलिन भैया? भाई मैं तुम्हारी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था ना, तब मेरा पैर फिसल कर मैं सीधे तुम्हारे पैरों में आके गिर गया, ठीक है? वरना भाई मेरे को पैरों में गिरने का कोई शौक नहीं है। डरपोक होंगे तुम सभी पुलिस वाले, ठीक है? ओ मेरे को गन दिखाएगा? अरे भाई गन से किसको डरा रहा है तुम्हें? यानी तुम्हें पता नहीं कि भाई फ्रैंकलिन भैया पहले कौन था? अबे चला जा चुपचाप से, फिर से गन दिखाए मेरे को। अरे भाई फ्रैंकलिन भैया शरीफ क्या हो गए, ये लोग तो मेरे को गन दिखाएंगे, छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर। चला जा भाई, तू जानता नहीं है, तेरे सर से जाके पूछ मेरा नाम कौन है।
अभी चला गया ना चुपचाप से। ठीक है भाइयों, अभी देखते हैं कि क्या ये पुलिस वाले मिलकर सारे नेट को हरा पाएंगे ना। वैसे मेरे पास में भी तोप वगैरह सब चीज़ है। अरे नहीं भाई, मैं इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ क्यों नहीं पाता हूँ। मैं जैसे ही चढ़ता हूँ हमेशा गिर जाता हूँ। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्या रख दिया है इस गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं कि आज रात क्या होने वाला है। वैसे भाइयों, आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो। क्या कर रहे हो भाई तुम सब लोग, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो चैनल के ऊपर। वैसे भाई ये नए डायनासोर के बच्चे हैं ना, मैं इनके ऊपर बैठने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये लोग तो भाई मेरे को बैठने ही नहीं देते। पता नहीं क्यों, मेरे पुराने वाले डायनासोर तो देखो भाई एकदम आसानी से बैठने भी देते हैं। शायद इनको मेरे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वैसे भी भाई तुम लोगों को आज रात में कमरे में बंद करने वाला हूँ वरना सायरन हेड भाई तुम लोगों को भी मार डालेगा। चलो वैसे मेरे पीछे पीछे आओ तुम सब लोग। ये तीन ही है क्या भाई, वो दो लोग कहाँ पे गए? शायद अंदर होंगे। आओ तुम तीनों तो आओ, यानी तुम्हें कुछ सिखाना है। तुम्हें अगर सिटी में रहना है ना तो सबसे पहले एक नियम फॉलो करना पड़ेगा, यानी इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे ये सामने इंसान जा रहा है ना अंकल, इसको नहीं खाना है। ठीक है, हाँ तुम तो काफ़ी जल्दी सीख गए। वैसे हाँ मैं आपको बता दूं कि तुम लोगों को ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी खाने के लिए, इसलिए इंसानों को मत खाना है। ये देखो मेरे डायनासोर के बच्चे थे ना, वो भी पहले खाते थे इंसान ही, लेकिन अब तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। और तुम लोग भी भाई जितनी जल्दी सीखोगे ना उतनी ही जल्दी यानी फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए, वरना पुलिस वाले मेरे को तो पकड़ेंगे जो पकड़ेंगे, तुम लोगों को पकड़ कर सीधे जेल में डाल देंगे मेरे साथ। ठीक है, अभी हम लोग अंदर चलते हैं और तुम सबको यहीं पे रुकना है भाई। मैं रात को जाऊंगा, ठीक है, यानी पुलिस वालों के पास में जाऊंगा, देखते कि पुलिस वाले मार पाएंगे। अबे पता नहीं यार तुम लोगों को इतना डर किससे लग रहा है, तुम लोग मेरे बेड के नीचे कैसे जा रहे हो? ठीक है अभी जाओ बेड के नीचे जाओ या फिर बेड के ऊपर जाओ, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो दोस्तों रात हो चुकी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। भाई मैंने जुरासिक पार्क से जो बच्चे लाए थे ना उन सबको सुला दिया है, बस मेरे पहले वाले डायनासोर के बच्चे हैं ना वही जाएंगे मेरे साथ में। ओ बाकी तो जा भी चुके हैं, बस ये एक ही बची हुई है। चल भाई मेरे को बिठा ऊपर और मेरे को भी लेके चल उन पुलिस वालों के पास में। देखते हैं कि क्या हजरा सारन हेड जंगल से बाहर निकलकर हमारे रेलवे स्टेशन के पास में आएगा। चल प्यारी जल्दी से चल, और ये मैंने लाइट भी जला दी है भाई, यानी ये काफ़ी मस्त वाला ग्लिच है। हम लोग भाई कहीं पर भी जा सकते हैं ये वाली लाइट जलाकर। ठीक है भाई, वैसे मेरे को लाइट बंद कर देनी चाहिए वरना पुलिस वाले मेरे को ही मार डालेंगे भाई, क्योंकि सायरन हेड भी रात के अंदर यानी आग जला लेता है अपने मुंह के अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ आ रही है। वैसे भाई लोगों, क्या आप लोगों को पता है कि उसका नाम सायरन हेड क्यों पड़ा है? क्योंकि भाई वो अपने मुंह के अंदर से बहुत खतरनाक सायरन बजाता है भाई, उसके यानी आवाज़ से कान के पर्दे तक फट जाते हैं। वैसे भाई वो है कहाँ पे? मेरे को जंगल के अंदर, नहीं नहीं जंगल के अंदर नहीं, जंगल के बाहर जो ये जाली है ना इसके ऊपर चढ़कर देखना ही पड़ेगा। चल भाई फ्रैंकलिन भैया जल्दी से देख, वैसे यहाँ पे इतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं है आज। पता नहीं भाई शायद अमावस की रात होगी, अमावस की रात नहीं पूर्णिमा की रात। भाई इस दिन क्या है कि हमारा चांद है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है। चल भाई मेरे को तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे भाई क्या कर रहा है तू? ओ शिट भाई, हम लोग तो जंगल के अंदर आ गए। ओ यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ है, शायद वो मेरी तरफ ही आ रहा है क्या? मेरे को देख तो नहीं रहा है लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है भाई, वो पेड़ की तरह होता है, पेड़ की रंग का होता है। वैसे मेरे को जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा भाई वरना वो मेरे को ना पकड़ ले, शायद आने वाला है भाई, उसकी आवाज़ तेज होती जा रही है। क्या दोस्तों सायरन हेड को पुलिस वाले मार पाएंगे? अभी मेरे को भी नहीं पता, लेकिन भाई जब बड़े डायनासोर को उसने मार दिया है तो पुलिस वाले तो उसके सामने क्या है लगेंगे भाई। अभी मेरे को जल्दी से बाइक बुलानी पड़ेगी भाई, ताकि मैं अपने डायनासोर के बच्चों या फिर मेरी खुद की रक्षा तो कर सकूँ ना भाई, वरना सायरन हेड तो मुझे और डायनासोर के बच्चों को भी मार डालेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, पुलिस वाले जीतेंगे या फिर सायरन हेड? कमेंट करके जरूर बता देना भाई। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।